अरमान को रूही ने पूछे कुछ तीखे सवाल। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है एक इंटरेस्टिंग मोड। वेल, आपको बता दें कि रूही अरमान के घर वापस आना चाहती है, तो इसीलिए रूही अरमान की हुई मुलाकात। और देखिए, रूही पूछ रही है अरमान से सवाल। तो देखिए कैसे अरमान ने रूही का मूड ठीक करने के लिए मंगवाया है एक प्यारा सा केक। लेकिन देखिए, घर वापस जाने से पहले रूही के मन में जो भी सवाल है, जो भी शंका है, वो अरमान से पूछ रही है। तो आइए खुद आपको मिलवाते हैं आपके अपने अरमान और रूही से, और जानते हैं क्या कुछ फील कर रहे हैं वो इस सीन के बारे में। ये बताइए कि इतनी अच्छी जोड़ी क्या कर रही है, क्या बातें हो रही है, कब से हम लोग देख रहे हैं कुछ गपशप चल रहा है, कुछ हीरो इंडियन से एक बातें चल रही है, क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली बात? अरमान आप बताइए। नहीं, आप बताइए। आप बताइए, आप बताइए। आपने मुझे आप मिलने बुलाया था? हां, मैंने रूही को बुलाया है डेट के लिए। मैं रूही को डेट पे लेके आया हूं। इट्स नॉट अ डेट। रूही का फ़ोन आता है मुझे कि वो घर वापस आना चाहती है, लेकिन उसके कुछ सवाल है जिसके अगर जवाब मैंने उसके अकॉर्डिंग दे दिए, उन सब सवालों के लिए मैं अग्री कर गया, तो ही वो मेरे साथ वापस आएगी। तो वो सवाल करने के लिए हम यहाँ पे मिले हैं। और मैंने बहुत बुरा ट्रीट किया था पिछले एपिसोड में उसके साथ, उसको बहुत चिल्लाया था, उसको हर्ट किया था, तो इस वजह से मैं माफ़ी वगैरह मांगता हूँ उसके लिए। ये जो हम रास्ते में रुकते हैं, जहाँ हम मिलते हैं, वहाँ पर मैं बहुत स्पेशल कुछ मंगवाता हूँ उसके लिए, केक वेक मंगवाता हूँ जो उसको बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पहले से पता उसे क्या क्या पसंद है। तो बस वो मोमेंट चल रही है, तो वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही है, उन सवालों के क्या जवाब दूंगा वो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखना पड़ेगा। लेकिन रूही ये बता सकती है क्या सवाल कर रही है? इसके लिए भी आप ये रिश्ता क्या कहलाता है देखिए। नहीं, ये बोलना ही पड़ेगा। वो बोलना ही पड़ेगा। बहुत कॉपी कर रहे हैं। ए शट अप। मेरी लाइन है। ती इसने मेरी लाइन कॉपी की है। शट अप, डोंट लाई, कम ऑन। सो रूही उसको यही बोलती है दैट अभी अगर अरमान ने बुला ही लिया है, अगर वो मिलना ही चाहता है, तो रूही भी सोचती है कि अभी मैं जा ही रही हूँ, तो मेरे मन में जो भी सवाल है मैं अरमान से पूछ लूँ, फिर उसके बाद वो डिसाइड करके आती है कि अगर जो वो आंसर्स अरमान से यू नो एक्सपेक्ट कर रही है, अगर आंसर उसने वैसे ही दिया तो ही वो उसके साथ जाएगी, वरना नहीं।
तो फिर रूही भाई बोलती है कि तुझे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मुझे देनी पड़ेगी, कि कोई भी हो तुझे मुझे इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जो अरमान हाँ बोल देता है, सो रूही बहुत ज्यादा खुश है कि अरमान ने हाँ बोल दिया। और आप सब लोग जानते हैं कि अरमान एक बार फिर से फंस गया दोनों के बीच में। इसको हाँ बोल दिया है, उसकी भी सुननी पड़ेगी, इसकी भी सुननी पड़ेगी। बट नहीं, अभी इसको ज्यादा मेरी सुननी पड़ेगी, बिकॉज़ इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मुझे टॉप प्रायोरिटी में रखेगा, टॉप 10 लिस्ट में, नहीं टॉप 1, टॉप 3। टॉप 3 में तो ऑलरेडी आ चुका जो मेरे राइटर कहेंगे वो मैं करूंगा बस।